आज के सेशन में हम लोग जानने चल रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स के बारे में जिनका यूज तो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, बट हमें उन वर्ड्स की इंग्लिश नहीं पता होती है। हम उन चीजों को खाते हैं, पीते हैं, बट हमें उस वर्ड्स की इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोटैटो केक। पोटैटो केक, पोटैटो केक को हिंदी में बोलते हैं आलू की टिक्की, आलू की टिक्की को इंग्लिश में पोटैटो केक बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट पैनकेक। पैनकेक मींस होता है मालपुआ। पैनकेक मींस मालपुआ। मीनिंग नंबर नेक्स्ट सेमोलिना। सेमोलिना, सेमोलिना मींस होता है सूजी। सेमोलिना मींस होता है सूजी। नंबर नेक्स्ट हॉचपॉच। हॉचपॉच, हॉचपॉच मींस होता है खिचड़ी। हॉचपॉच, हॉचपॉच मींस होता है खिचड़ी। मीनिंग नंबर नेक्स्ट सैगो पुडिंग। व्हाट आई सेड, सैगो पुडिंग। सैगो पुडिंग मींस होता है साबूदाने की खीर। सैगो पुडिंग, सैगो पुडिंग मींस होता है साबूदाने की खीर। मीनिंग नंबर नेक्स्ट बन। बन मींस होता है गुलगुला। बी यू एन बन, बन मींस गुलगुला। मीनिंग नंबर नेक्स्ट फ्लैटेंड राइस। व्हाट आई सेड, फ्लैटेंड राइस। फ्लैटेंड राइस मींस होता है पोहा। फ्लैटेंड राइस मींस होता है पोहा। मीनिंग नंबर नेक्स्ट कंडेंस्ड मिल्क। व्हाट आई सेड, कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मींस होता है खोया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। हमने क्या सीखा सबसे पहले, हमने सबसे पहले देखा था पोटैटो केक। पोटैटो केक की हिंदी होती है आलू की टिक्की। उसके बाद देखा था पैनकेक। पैनकेक की हिंदी होती है मालपुआ। उसके बाद देखा था सेमोलिना। सेमोलिना मींस होता है सूजी। हॉचपॉच, हॉचपॉच मींस होता है खिचड़ी। सैगो पुडिंग, सैगो पुडिंग मींस होता है साबूदाने की खीर। बन, बन मींस होता है गुलगुला। फ्लैटेंड राइस, फ्लैटेंड राइस मींस होता है पोहा। एंड कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क मींस होता है खोया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मीनिंग जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।